दहेज प्रथा की दरिंदगी हमारे समाज में आए दिन एक नया और भयानक रूप लेकर हमारे सामने आ जाती है, जिससे हमारा समाज उभरने की कोशिश में लगा है, परंतु यह कोशिश ना जाने कब कामयाबी का रूप लेगी और ना जाने कब तक गरीब परिवार की बेटियां इस दहेज की आग में जलेंगी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गोपालगंज के बिशंबरपुर थाना क्षेत्र बाजार के मटहिनिया की। मटहिनिया गांव का एक मामला सामने आया है, जिसमें दहेज के दरिंदों ने एक मासूम और गरीब परिवार के लाडली बेटी की हत्या कर दी। और सिर्फ इतना ही नहीं, विवाह के उपरांत उसे लगातार अपाची बाइक और भैंस और सोने की चैन के लिए प्रताड़ित करते आए और अंत में उसे मौत के घाट उतार दिया। जी हाँ, दरअसल इस घटना के संदर्भ में बताया जाता है कि बिशंबरपुर थाना क्षेत्र के तिवारी मटहिनिया गांव निवासी गामा चौहान अपनी बेटी की शादी बाजार मटहिनिया गांव निवासी जोखू महतो के बेटा राम प्रवेश महतो के साथ 18 माह पहले हिंदू रीति रिवाज के अनुसार धूमधाम से किए थे। ससुराल पक्ष द्वारा शादी के 6 माह बाद दहेज के रूप में एक सोने की चैन, अपाची गाड़ी और एक भैंस की मांग की जाने लगी, परंतु मांग पूरी नहीं होने पर विवाहिता के पति व ससुराल पक्ष द्वारा उसे आए दिन प्रताड़ित किया जाने लगा। उस पर मायके से अपाची गाड़ी और सोने की चैन और भैंस मांगने का दबाव डाला जाता था, जिसे दे पाने में विवाहिता के मायके वाले सक्षम नहीं थे, जिसको लेकर विवाहिता ससुराल पक्ष के जुल्म के शिकार होती रही। इसी बीच मंगलवार की सुबह रंभा देवी अपने मायके चली गईं, लेकिन वापस शाम को अपने ससुराल लौट आई, जिसको लेकर उसका पति उसके साथ मारपीट करने लगा, लेकिन मंगलवार की देर रात उसकी गला दबाकर हत्या कर दिया। हत्या के बाद आरोपी ससुराल पक्ष द्वारा गंडक में गड्ढा खोदकर दफना दिया गया। इसके बाद मायके वाले बुधवार की सुबह रंभा के मोबाइल पर फोन किए तो बताया गया कि वह कहीं भाग गई है। मृतिका रंभा के मायके वाले उसके ससुराल पहुंचे और खोजबीन शुरू कर दिए और पुलिस को भी सूचित कर दिए। खोजबीन के दौरान किसी ने बताया कि नहर के किनारे जाकर देखिए। इसके बाद मायके वाले वहां पहुंचे और पुलिस को सूचित किया। वहीं मौके पर पुलिस पहुंचकर गंडक नहर से गड्ढे में दफनाए हुए शव के पास पहुंची और शव को गड्ढा खोदकर बाहर निकाला गया। इसके बाद पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया और मामले की जांच कर आरोपियों की गिरफ्तारी में जुट गई। साथ ही मृतिका की सास को अपने हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। मृतिका के पति पेशे से ऑटो ड्राइवर हैं। फिलहाल इस मामले में मायके वालों के बयान पर मामला दर्ज कर लिया गया है और सास, ननद और पति ससुर को नामजद आरोपी बनाया गया है। चली तो हमने कहा कौन सा अपना दामाद के टेम्पू से भेज दें, दामाद और लड़का गौ है ऊपर भतीजा, ओकरा बाद दामाद के सामने लोगों मारे मार पीट के छोड़ा फरा दे, समझा बुझा दे चलिए घर है। अला के बाद में लोग नरकू से फंसे लगा के मार के नदी में ले जाते हला दे, तब पुलिस जो है नदी के किनारे नदी है बोला नहर बोला वही नहर में हला के बाद कहलो बुटका जे ना पता लगा पता लगा तो हमें अपने अथी से लगने से जो है तब जाके बताइए पुलिस दू वाली धांगी आई रहा। तो इसी जानकारी मिला कि वहाँ पर कोई मान ली गाँव नगर बा तो सारे दुश्मन नहीं न कोई ना कोई लिखित कह दिया लो तो फलनिया जगह जाके देख लो। कोई देखा था उसे दफन करते हुए? नहीं देखा था, नहीं भाई शख्स से बता रहा था जा लगे नहीं वहाँ आंगनबाड़ी के पीछे नहर में जाकर चिप कर लगे चिप कर लेते खुल लामत पूर को जाला।